ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ये एशियन चूहे निकले। क्या कहा आपने? ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये एशियन चूहे निकले। और एटी रेड, रेड का मतलब है चूहा। ये किसी जगह डायरी में मेंशन कर लो, लिख लो, पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वो चूहे निकले। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना जिंदगी। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे हैं? हलवा है क्या? दियाड़ी लगा जा, दियाड़ी लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई रुकिए जरा, सच में अगर पाकिस्तान होती नहीं ना इस वर्ल्ड कप में, मजा नहीं आता इतना। लेट्स बी रियल, यूएसए वर्सेस पाकिस्तान से शुरू हुआ था ड्रामा इस वर्ल्ड कप का, और अभी बवाल मचा है। और भी यूएसए वाले सोच रहे भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो नेक्स्ट लेवल बवाल मचती है। तो ये है असली जंग, ये है असली मजा, और वो हमें मिला ड्रामा। और उस पॉइंट से हारना, ओनली पाकिस्तान कैन डू इट, नो वन कैन डू इट। लेट्स बी रियल, एज मच एज क्रेडिट टू इंडिया फॉर श्योर। लेकिन हाँ भाई, दो मैचेस हो गए पाकिस्तान के, दोनों हार गए। यूएस से दो मैचेस खेले, दोनों जीते हैं, और इंडिया भी सेम, इनफैक्ट इंडिया ऑन टॉप ऑफ द टेबल। तो लुक्स लाइक पाकिस्तान मे बी आउट। रुके जरा, अभी भी ऑफिशियली दे कैन स्टे इन द टूर्नामेंट, कैसे हम बताएंगे टिल द एंड। लेकिन कांड क्या मचा है पाकिस्तान वाले, लेट्स बी रियल। यहां पर अगर कोई कैप्टन है, दैट इज बाबर आजम, हु नीड्स टू टेक ऑल द क्रेडिट। भाई ले लीजिए पूरा एंटरटेनमेंट का क्रेडिट, आप ही ले लीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टीम सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं आपने किया था। ड्रॉप किया था आजम खान, बलि के बकरे को आपने ड्रॉप किया, फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग फर्स्ट टाइम डक आउट इन अ वर्ल्ड कप, पहले मैच में फॉर एम्पायर्स कॉल। आपने लाया इमाद वसीम, और इमाद वसीम भाई साहब क्या बैटिंग की है, मतलब कुछ कहानी में कुछ तो गड़बड़ था, लेकिन स्क्रिप्ट पता नहीं, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन यही पाकिस्तान टीम नहीं थी जो मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर आई थी वर्ल्ड कप के लिए। फॉर दिस, देखो विद ऑल टू रेस्पेक्ट, अब ट्रेनिंग जिसे लिए थे वो लोग भी सरेंडर करते ही है, तो ये भी सरेंडर कर रहे थे ऑब्वियसली, बिकॉज उस पॉइंट से आपने सरेंडर ही किया, बिकॉज आप जीत रहे थे आराम से। लेकिन जोक्स अपार्ट, इश्यू क्या था पाकिस्तान का आप बोलिए, मतलब इट हैज टू बी द फैक्ट कि इतना ट्रेनिंग लेकर आप यू नो बहुत ही एकदम शानदार तरीके से फाइट कर, एकदम नहीं, लास्ट के 40 बॉल में वाइल चेजिंग 119, माइंड यू वाइल चेजिंग 119, उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं मारा। यस यस, इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, आएंगे हु वाज अ हीरो एंड व्हाई, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी। लेट्स बी रियल, पिच ज्यादा मदद हो रही थी पाकिस्तान को, बॉलिंग फर्स्ट, और इंडिया के पास इतना नहीं था, फिर भी पाकिस्तान कुडंट स्कोर अ सिंगल बाउंड्री। नजीम शाह ने मारा था पेनल्टीमेट बॉल्स में दो बाउंड्री, और भाई लास्ट में उनको भी रुला दिया। मतलब अगर आजम खान या कोई अगर होता जो मार सकता वो शॉट्स, दे शुड हैव जस्ट वन। क्या इंटेंट में कमी थी, क्या कॉन्फिडेंस में कमी थी, था क्या आखिर? मतलब दिस इज अ टीम विच इज सपोज टू बी, मतलब बोला जाता है दैट दे आर एबल टू डू व्हेन इट मैटर्स। मतलब जब वो लोग बॉलिंग कर रहे थे, माइंड यू इंडिया को 84/3 से लेकर 119 ऑल आउट करवाए थे वो लोग, तो उसका पूरा श्रेय जाता है उनके बॉलर्स को जिन्होंने अच्छा बॉलिंग किया है। लेकिन उसके बावजूद दैट एटीट्यूड इन बैटिंग, इज इट समथिंग ऑफ अ क्वेश्चन मार्क उनके इंटेंट का या एबिलिटी का, और बिट ऑफ बोथ? या इंडिया को क्रेडिट देना पड़ेगा 100% भाई। लेकिन मिड इनिंग्स में ही उनकी खुद की आवाम कॉन्फिडेंट नहीं थी, एंड वो दिखता था उनके प्लेयर्स में भी, जो हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप क्रिकेट। भाई वर्ल्ड कप की बात करें, अभी ये 7-1 हो गया इन वर्ल्ड कप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब लेट्स बी रियल, यहाँ पर राइवलरी बची नहीं है वर्ल्ड कप में, राइवलरी है हाँ, वो हिस्टोरिकल राइवलरी तो रही इन टर्म्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान, यू नो बंटवारा एंड ऑल दैट, लेकिन वो एक अलग चीज है। अभी वर्ल्ड कप में व्हाट इज दिस डोमिनेशन ऑफ इंडिया, लेकिन अगेन आप बोल सकते हो क्लोज मैचेस थे, और यहाँ पर इज वेयर यू हैव टू कॉल हु आर द बिग प्लेयर्स, द किंग रियली, हु इज द रियल किंग, हमें सब पता है, लेट्स बी रियल अबाउट दैट। मतलब आपने इफ्तिकार अहमद को रखा है इन द टीम इन द लोअर ऑर्डर ताकि वो मारे, लेकिन उन्हें तो एक मिसबाह उलक का शॉट खेलना था, याद है 2007 का वर्ल्ड कप, लिटरली वही था, और भाई आउट हो गए। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बॉलिंग में
शादाब खान को अपने लेग स्पिनर मानते हो, उनको बॉलिंग ही नहीं देते हो, मतलब ये क्या चीज का है, मतलब लॉजिक समझ में नहीं आया। ऑल द टॉस उनके एडवांटेज में था फॉर श्योर। ऑब्वियसली द डिफरेंस मेकर वॉज जसप्रीत बुम बुम बुमराह। हाँ बुम बुम आफरीदी नहीं, वो हो गया भाई, समय गया, अब है टाइम बुमराह का। और भाई लेट्स बी रियल, ही इज द बेस्ट बॉलर ऑन हिज डे और उन्होंने दिखा दिया। हमें लग रहा था शायद रोहित शर्मा ने गलत कैप्टनसी कर ली बाय नॉट ओपनिंग विद जसप्रीत बुमराह, लेकिन ही वॉज प्रूवन राइट इवेंचुअली। और हाँ मे बी ही शुड हैव बोल्ड हिम अर्लियर फिनिश हिज कोटा ऑफ ओवर, लेकिन नहीं, रोहित शर्मा इज रोहित शर्मा भाई, दिस इज इक्वल द लोएस्ट टोटल जो डिफेंड किया गया है ना T20 वर्ल्ड कप बाय इंडिया, तो यू हैव टू गिव भाई सैल्यूट टू रोहित शर्मा एज वेल, नॉट जस्ट जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का ये स्पेल आई हैव टू से ये कहीं ना कहीं विराट कोहली की MCG जितना इंपॉर्टेंट था, इफ नॉट बेटर, ये यादगार स्पेल था एब्सोल्युटली, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में बोलिंग में इतनी मदद नहीं आ रही थी जितनी फर्स्ट इनिंग्स में आ रही थी, एंड दैट इज वेयर बुमराह डिफरेंट है ऑल द बॉलर्स से। मतलब बाबर आजम तो उनके ही बनी, उन्होंने वापस ले लिया बाबर आजम को, लेकिन रिजवान जो मिडिल ऑफ द इनिंग्स में लिया, दैट हैज टू बी द टर्निंग पॉइंट। आप लोग बोले कौन सा था वो टर्निंग पॉइंट फॉर विनिंग द गेम फॉर इंडिया, क्योंकि रिजवान का इतना इरेस्पॉन्सिबल शॉट सीरियसली वॉजंट एक्सपेक्टेड, लेकिन ऑन द डॉट थे जसप्रीत बुमराह और बोल्ड। मतलब रिजवान ने क्या खेला यार, 44 बॉल्स में 31, मतलब व्हाट वाज ही वेटिंग फॉर भाई, मुझे समझ में नहीं है क्या था वो, इतना नाटक भी करते फील्ड पर, I have no idea what is Rizwan made of, literally, मतलब runs बारते वो और बाबर, लेकिन really when matters have they scored enough? हाँ 2021 में बोलोगे जो एक बार मारा था जीत लिया, चलो भाई हो गया लाइफ का कोटा, भाई आप मेन बैट्समैन हो। बाय द वे उससे पहले रिजवान को लगी थी भाई, सिराज मियां ने मारा था, जान उससे मारा कि कैसे मारा पता नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन जोश में माता आ जाती सिराज के अंदर, पूरे पैशनेटली अच्छे बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो जो मारा ना कहीं ना कहीं सच में बोले इंडियन फैंस मजा तो आया होगा, लेकिन पाकिस्तान फैन को ज्यादा आया होगा इवेंचुअली, क्योंकि 44 बॉल्स ले लिया उन्होंने फॉर नथिंग, बट वी डोंट यू नो डेफिनेटली प्रमोट यहां पर एनी वायलेंस, वो तो भाई बैंटर असाइड। साथ में ये बोलना चाहूंगा हार्दिक पांड्या, सल्यूट है भाई सल्यूट, हार्दिक पांड्या टेकन सो मच शिट एंड लोड लास्ट मंथ एंड हाफ में, इनफैक्ट लास्ट 2.5-3.5 मंथ्स में, और हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया वापस कि भाई ही कैन बी अ प्रॉपर ऑलराउंडर। हाँ बैटिंग में इतना नहीं किया, कहीं ना कहीं वो जा सकते टिल द एंड, बट इंडिया बिकेम ऑल आउट, उस पर आएंगे, बट बॉलिंग में भाई बॉलिंग नाइस लाइन लेंथ, अगेन 6th ओवर दिया गया उन्हें, नॉट हरदीप सिंह को दूसरा ओवर इन द पावर प्ले, आई वाज सरप्राइज, लेकिन इवेंचुअली रोहित शर्मा वाज प्रूवन राइट, क्योंकि हार्दिक पांड्या केम बैक वेल लेटर और टुक फखर जमान विकेट। फखर जमान एक्चुअली लग रहे थे पूरे ले में, और आई थिंक दैट वॉज इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। आप बोलिए एनी अदर प्योर मोमेंट जहां पर आप लगता है यहां पर पाकिस्तान दे डाली भाई वी गिव अप, दैट्स ऑल। आई थिंक कहीं ना कहीं होप शुरू हुआ था अक्षर पटेल गेटिंग उस्मान आउट, यस उस्मान अगेन नॉट अ मेन बैट्समैन पाकिस्तान के, लेकिन वो मोमेंट ऐसा था ना जहां पर स्ट्रीम रोल हो रही थी इंडिया और लग नहीं रहा था कि कुछ होने वाला है। अगेन देना पड़ेगा टीम सिलेक्शन को, हमने बोला था कुलदीप यादव एज वेल एज चहल को खेलना चाहिए था, शायद उन्हें आना भी चाहिए फॉर रविंद्र जडेजा जो इतना अच्छा नहीं किए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक टीम सिलेक्शन वॉज नॉट अ इश्यू टोटल टीम में। आप लोग बोलिए मतलब वॉट वॉज इट दैट इंडिया कुड इम्प्रूव ऑन एट द एंड ऑफ द डे, यू कैन ऑलमोस्ट आर्ग्यू कि मे बी फील्डिंग भी काफी अच्छी थी इंडिया की, एंड दैट इज वेयर पाकिस्तान की फील्डिंग, अरे बाप रे भाई लोटपोट हो गए थे हंसते हंसते सॉरी, लेकिन इंडिया ने आई थिंक इंडिया मतलब 99 पर 60 विकेट गिर गए थे इंडिया के, और फिर पता नहीं 119 कैसे मार लिए, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ कपल ऑफ ओवरथ्रोस, यस, और वो टाइम एंड अगेन करते पाकिस्तान, दैट इज पाकिस्तान फॉर यू। मतलब रोहित शर्मा विराट कोहली भी कंट्रोल नहीं कर पाए अपनी हंसी, दैट इज व्हाट अ मोमेंट भाई। लेकिन अगेन इंडिया के अगर थोड़े से आप यू नो पिक करो पॉइंट्स, पिन पॉइंटिंग करो, क्योंकि लेट्स बी रियल लक था एज मच एज भाई जज्बा दिखाया कैप्टन एज वेल एज बुमराह एंड हार्दिक ने, बोलना पड़ेगा ऑफ कोर्स पंत की फील्डिंग एंड कैचिंग, 3 कैचेस लिए पंत ने, और भाई बैटिंग पंत की, बाय द वे फर्स्ट ओवरकास्ट कंडीशंस थे, बहुत स्टॉप एंड स्टार्ट गेम चल रहा था, डू यू थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर पंत टू बी नंबर 3? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था इन दैट ओवरकास्ट कंडीशंस शायद हम जाए ऑन ट्रेडिशनल टॉप 3, लेकिन नहीं, पंत स्टेड राउंड, कहीं ना कहीं इधर उधर मारे थे पंत स्टाइल, लेकिन टिक गए थे, दैट्स ऑल वाज रिक्वायर्ड, एट बॉटम लाइन वही है, एज मच एज यू नो मीडिया और ऑपोजिशन हंस रहे थे, डजंट मैटर, पंत इज बैक गाइस एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ रन्स। लेकिन अक्षर पटेल एट 4 वॉज दैट नेसेसरी? मेरे ख्याल से नहीं। आप बोलिए इन द चैट, हो सकता है दैट सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव अगेन फेल्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, इज दैट समथिंग? हो सकता है, लेकिन विराट कोहली वेरी रेयर फेलियर अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑल्दो वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं गया, बट अभी तो भाई टाइम है, बहुत बाकी पिक्चर। हाँ ये जरूर बोलूंगा पाकिस्तान को एक रिकॉर्ड मिला है वापस से, और वो है शाहिन शाह आफरीदी पिट गए हैं पहले ओवर इनिंग्स के
फॉर अ सिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन T20 एंड दैट इज बाय द सेम बैट्समैन जो सेम रिकॉर्ड किए उनके अगेंस्ट इन द ODI दैट इज रोहित शर्मा. यस, बट रोहित शर्मा का गलत शॉट. यू मस्ट से यहां पर फील्ड पोजिशन वॉज देयर टू गेट एम आउट. जो विराट कोहली ऑलरेडी आउट हो गए थे. आई थिंक इट वॉज अननेसेसरी इन माई ओपिनियन. आप बोलिए इफ यू अग्री और नॉट. शिवम दुबे की बात करनी पड़ेगी. भाई साहब जिम से आए थे ना, इतने स्टिफ थे, हो क्या रहा है भाई, सिंगल्स चल लो आप. मतलब आई अग्री दैट आप फॉर्म में नहीं हो वापस से, लेकिन कोई नहीं, आएगा वो. और भाई फील्डिंग में कैच ड्रॉप किया उन्होंने रिजवान का, कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट का पार्ट था. सच बोलिएगा, आई नो आप बोलोगे IPL में इंपैक्ट प्लेयर एक्सेट्रा डिडंट हेल्प हिज फील्डिंग प्रैक्टिस, लेकिन इन माय ओपिनियन इट वाज पार्ट ऑफ इट. क्योंकि रिजवान बोलते ना भाई आउट मत करिए इसे, ये डेफिनेटली हमें जिताएगा, दैट वाज रिजवान फॉर यू. बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक ऑल इन ऑल भाई जीते, दैट्स द मेन थिंग. इट्स अ राइवलरी मैच, ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ ऑल टाइम. कहीं ना कहीं अभी थोड़ा कम हो रहा है इन द वर्ल्ड कप, बट वो तो रहेगी नो मैटर व्हाट. पाकिस्तान, नोइंग पाकिस्तान विल ऑलवेज कम बैक व्हेन सच रिजल्ट्स हैपन. लेकिन इस बार दो हो गए, कहीं ना कहीं स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, और इंडिया स्नैचिंग विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट ऑलमोस्ट. बट वो चाहेंगे अभी नेक्स्ट दो मैचेस अपने जीते और USA अपने नेक्स्ट दो मैचेस हारे. क्या वो हो सकता है? ऑफ कोर्स इंडिया USA है नेक्स्ट, तो देखते हैं क्या होता है वहां पर. बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, और आप बोलिए व्हाट वाज योर मोमेंट ऑफ द मैच एंड द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर्स जो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है टू बी ड्रॉप्ड नॉट टू बी पिक इन द नेक्स्ट मैच. एंड कहीं ना कहीं आप लोग सब अग्री करोगे भाई, इफ पाकिस्तान वॉज नॉट देयर, क्रेडिट टू देम टू गिव अस एंटरटेनमेंट. लेकिन बैंटर साइड, लेट्स वॉच सम गुड क्रिकेट कंटिन्यूइंग. और लो स्कोर्स आई डोंट माइंड एज मच एज यू नो, दोनों साइड्स के लिए इक्वल एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है. लेकिन इंडिया ने अच्छा नेगेट किया और पाकिस्तान हेल्प की कहीं ना कहीं. अभी के लिए इतना है गाइस, यू नो द ड्रिल, हिट द लाइक सब्सक्राइब, इट्स अ फ्रैंचाइज फ्रॉड, इट विल ऑलवेज रिमेन दैट वे नो मैटर व्हाट. कम ऑन इंडिया, अभी तो बात की है कब जीतना हमें.